बात बाबा के बुलडोजर पर हाई कोर्ट के चले हथौड़े की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से यूं ही नहीं विख्यात हुए। बुलडोजर का खौफ भू माफियाओं और एसटी सीटों में तो है ही। योगी के बुलडोजर का प्रचार इस कदर हुआ कि अब बड़ी बड़ी जनसभाओं में बुलडोजर का प्रदर्शन हो रहा है। नेता बुलडोजर पर सवार होकर जनसभाओं में पहुंच रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी बुलडोजर पर सवार होकर वरिष्ठ नेताओं पर फूलों से बारिश करते हैं। यहां तक कि विजय जुलूस और चुनाव में नामांकन के दौरान भी सीएम योगी के बुलडोजर का प्रदर्शन आम हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर पर अब शायद रोक लगने के आसार बनने लगे हैं। अब यह बुलडोजर किसी का मकान ध्वस्त करने में मनमानी के तौर पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। वह इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में काफी तल्ख टिप्पणी की है। दरअसल प्रयागराज में एक वकील का घर गिराए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीडीए को फटकार लगाई। हाई कोर्ट का कहना है कि बुलडोजर मनमानी के लिए नहीं है। बता दें, हाई कोर्ट में वकील अभिषेक यादव ने झूंसी इलाके में अपने मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई मनमानी के लिए नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से जवाब तलब करने के साथ ही अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। हाई कोर्ट का कहना है कि घर की एक ईंट रखने में कई साल लग जाते हैं और उसे तोड़ने में अधिकारी एक पल भी नहीं लगाते हैं। फिलहाल अब इस मामले में सुनवाई 20 नवंबर को होगी। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के जोनल अधिकारी संजीव उपाध्याय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वकील के घर को गिराए जाने के बाद उसके दूसरे ही दिन हाई कोर्ट में सुनवाई की, उन्हें कोई जानकारी या फिर नोटिस नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि अगर आप किसी का घर गिराने के लिए बुलडोजर लेकर खड़े हो जाएंगे तो आपको मुकदमे की जानकारी भी नहीं दे, और वह भी तब तक जब वह एक वकील हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। बताया जाता है कि पीडीए अधिकारी हाई कोर्ट में 300 नोटिस की प्रतियां लेकर पहुंचे थे। उन्होंने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि शहर के 50 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं और झूंसी जोन के 300 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अब इस मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। बताते चलें कि यूपी में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और संगठित अपराध एवं आपराधिक गिरोहों को काबू में करने में योगी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। सरकार बनने के साथ ही सीएम योगी ने अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए जिस तरह बुलडोजर को सशक्त हथियार बनाया और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हुई, उसने सीएम योगी को प्रदेश में ही नहीं देश में बुलडोजर बाबा के रूप में स्थापित किया है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।